मेरे प्रिय छात्रों, आज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोएसिव सॉइल को देखेंगे, जिसको यूसीएस टेस्ट भी कहते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये प्योरली कोएसिव सॉइल टाइप के लिए किया जाता है, जिसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए सीयर स्ट्रेंथ में इस इक्विपमेंट से ओनली सी की वैल्यू ही निकाल। इसमें जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं वह अनकन्फाइंड कंप्रेशन एपरेटस, प्रूविंग रिंग टाइप, प्रूविंग रिंग जिसकी कैपेसिटी 1 किलो न्यूटन होती है और एक्यूरेसी 1 न्यूटन तक, डायल गेज जिसकी एक्यूरेसी 0.01 mm तक, वेइंग बैलेंस, ओवन, स्टॉपवॉच, सैम्पलिंग ट्यूब, स्प्लिट मोल्ड जिसका 38 mm डायमीटर होता है, 76 mm लॉन्ग होता है, सैंपल एक्सट्रैक्टर, नाइफ, वर्नियर कैलिपर्स और लार्ज माउथ। इस टेस्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसमें जो स्प्लिट मोल्ड में सॉइल को डालेंगे या तो अनडिस्टर्ब सैंपल होगा, और डिस्टर्ब सैंपल होगा तो जो फील्ड मॉइस्चर कंटेंट एंड डेंसिटी पर उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा, और डिजायर्ड डेंसिटी और वाटर कंटेंट पर कॉम्पैक्ट किया जाएगा, और सैंपल को सैचुरेटेड किया जाएगा। फिर जो स्प्लिट मोल्ड होगा उसको इनर लेयर पर ग्रीस वगैरह लगाएंगे, जिससे कि सॉइल उस पर चिपके नहीं और इजीली मोल्ड से सॉइल बाहर आ जाए। सैंपल को बाहर करने के लिए स्प्लिट मोल्ड से सैंपल एक्सट्रैक्टर एंड नाइफ को काम में लेंगे। सैंपल को बाहर निकालने के बाद एंड्स को ट्रिम कर देंगे और उस स्पेसिमेन का वेट ले लेंगे। फिर जो सॉइल सैंपल है उसका लेंथ एंड डायमीटर मेजर कर लेंगे वर्नियर कैलिपर से। अब इस सॉइल मोल्ड को कंप्रेशन मशीन में रखेंगे और इनिशियली प्रूविंग रिंग में डायल गेज की रीडिंग जीरो सेट करेंगे। फिर जो कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जाएगा वो इनिशियली 0.5 to 2% पर मिनट होगा, और फिर लोड अप्लाई करने के बाद डायल गेज पर रीडिंग पड़ेंगे, और फिर अप टू 6% स्ट्रेन तक एवरी 30 सेकंड तक रीडिंग पड़ेंगे। उसके बाद 6 to 12% स्ट्रेन के लिए 60 सेकंड और 1 मिनट तक, और फिर 20% तक 2 मिनट एवरी 2 मिनट में रीडिंग पड़ेंगे। या तो टेस्ट सैंपल फेल हो जाए या अप टू 20% स्ट्रेंथ तक रीडिंग को, डायल गेज की रीडिंग को नोट करेंगे, और फिर फेलियर प्लेन को ऑब्जर्व करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है या एंगुलर है, और फेलियर जोन से सैंपल को बाहर निकालकर वाटर कंटेंट निकालेंगे। ये स्प्रिंग टाइप इक्विपमेंट है, हैंडल ऑपरेटेड, जिसमें बीच नीचे सैंपल है और ऊपर मूविंग प्लेट है, और ये प्रूविंग रिंग टाइप है जिसमें कॉनिकल सीटिंग्स होते हैं, उनके बीच में सैंपल रखा जाता है, इसके ऊपर प्रूविंग रिंग है और डायल गेज है। प्रूविंग रिंग लोड कैलकुलेट के लिए यूज आती है और डायल गेज स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए यूज आता है। तो इस टाइप से सबसे पहले इनिशियल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, इनिशियल डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन, इनिशियल एरिया ऑफ स्पेसिमेन नोट करेंगे, फिर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, फिर मास ऑफ एम्प्टी स्प्लिट मोल्ड, मास ऑफ स्प्लिट मोल्ड प्लस स्पेसिमेन, तो इससे मास ऑफ स्पेसिमेन निकल जाएगा, फिर बल्क डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जी निकालेंगे, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी नोट करेंगे, फिर इस ऑब्जर्वेशन को इस ऑब्जर्वेशन टेबल में भरेंगे और इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा निकालेंगे। फिर एक बोर सर्कल ड्रा करेंगे, बोर सर्कल में इसमें चूंकि सिग्मा 3 की वैल्यू 0 होती है तो जो मोर सर्कल है वो ओरिजिन से शुरू होगा और सिग्मा 1 या QU डायमीटर का लेते हुए एक मोर सर्कल ड्रा करेंगे। जो मोर सर्कल की रेडियस होगी वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CU
कहलाएगी। इस टाइम से इसका रिजल्ट्स मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और ये ओनली कोहेसिव टाइप की सॉइल के लिए किया जाता है। धन्यवाद।